हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेट हेयर कटिंग करते टाइम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। हम लोग सिंपली स्ट्रेट हेयर कट कर देते हैं तो ये सही तरीका नहीं है, कैसे करना चाहिए सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। मेरे चैनल पर आपको हेयर से रिलेटेड और वीडियोज मिलती हैं, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, हेयर फॉल, हेयर केयर टिप्स सब कुछ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैंने यहाँ पे बालों को अच्छे से कॉम करके सुलझा लिया है और ये अच्छे से बालों को सुलझाने के बाद से मैं आपको स्ट्रेट कटिंग करने का जो सही तरीका परफेक्ट तरीका होता है वो बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है और इसको अभी सुलझा ही रही हूँ बालों को। तो जब भी आप बालों की कटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सेंटर पार्टीशन कर ले बालों की, बीच मांग जरूर निकाल लें। बीच मांग निकालने के बाद से ही आपको बालों की कटिंग स्टार्ट करनी होती है। तो बीच मांग मैंने निकाल लिया है और अच्छे से बालों को कॉम कर लिया है और इस तरीके से उस फ्रंट में कर दिया डमी का फेस ताकि आपको हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग परफेक्टली दिखे। तो अभी आपको क्या करना है, हेयर कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे डमी के हेयर जो थे मेरे वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं नीचे से, तो 4 से 5 इंच तक कट कर दूँगी। तो लॉन्ग टू शॉर्ट भी हेयर कट मिल जाएगा आपको। और स्ट्रेट कट में, स्ट्रेट कट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी पता चलेगा आज आपको इस वीडियो में। तो चलिए कॉम तो हो गया, सुलझ गए हैं बाल हमारे डमी के अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से आपको हेयर को थोड़ा सा कट करना है। पहले कॉम कर ले रहे एक बार और देख सकते हो कितना ज़्यादा फंस रहा है बाल, इसीलिए मेरे को कट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से सेंटर से हेयर को पकड़ लेंगे। आपको सेम इसी तरीके से कस्टमर पे भी कट करना है और ख़ुद से कैसे कट करनी है उसके लिए मैंने शॉर्ट हेयर कट अपनी एक वीडियो डाली है अपने बालों पे कट करके। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी चेक कर लीजिएगा अगर सेल्फ कट चाहिए होगा तो। तो कॉम कर लिया, सेंटर से इस तरीके से बालों को पकड़ा है, जितना छोटा करना है आपको उतना सिंपली लेना है और इस तरीके से कट कर देना है। पहले मैं उधर से कट करने वाली थी तो उधर से आपको क्लियर दिखता नहीं इसलिए मैंने इधर से कट कर दिया। तो इस तरीके से कट कर दिया, ये देखिए 5-6 इंच हेयर कट कर दिए हैं। अब देखिए बीच का हमको गाइडलाइन मिल गया बालों का। अब आपको क्या करना है, अभी भी परफेक्ट तरीका नहीं है, बीच का तो हमने कट कर दिया बट साइड से हमको कैसे गाइडलाइन मिलेगा कि एकदम बराबर जाएगा। अगर आप इसे ऐसे कट करोगे तो एक साइड का छोटा एक साइड का बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लेयर लेना है और एकदम सेंटर में ला के एकदम बीच में ला के और इस तरीके से फिंगर से पकड़ना है और यहाँ से कट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको साइड साइड की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ये देखिए एक गाइडलाइन हमारी यहाँ आ गई और एक यहाँ पे होगी और बीच का हमने कट कर लिया था। ओके, अब इस तरीके से आपको कट करना है। अभी भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो स्किप मत कीजिएगा अगर आप सच में हेयर कट सीखना चाहते हो तो। सच में स्ट्रेट हेयर कट परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट गाइडलाइन है, ये सेकंड है गाइडलाइन है, बीच में थर्ड गाइडलाइन है। तीन गाइडलाइन के थ्रू बालों को कट करने का सही तरीका क्या है वो आज आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डमी को भी घुमा लिया और कैमरे को भी एकदम सेंटर में कर दे दी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आए कैसे कटिंग करना है। अब जो हमारा फर्स्ट गाइडलाइन है और ये सेकंड गाइडलाइन है एंड ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, तो आपको यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है और जो बीच वाला गाइडलाइन है उसमें मिक्स करना है। ओके, फास्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी ये ना रहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूरा धीरे धीरे एकदम कट करके अच्छे से समझा रही हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप तीनों गाइडलाइन मिला दोगे तो कंप्लीट हो गया, रुकिए जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है इस वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने इसको सेकंड गाइडलाइन तक मिलाया। ओके, तो आप देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट एकदम मस्त स्ट्रेट कट रहा है। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बहुत कुछ सीखना है अभी, देखिए रुके रहिए कहीं नहीं जाना है। कोई काम हो तो थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा, 5 मिनट की तो वीडियो कंप्लीट देख लो या फिर उसके बाद जाओ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेकअप ट्यूटोरियल, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जाओ। जो ये मेकअप किया हुआ है मैंने, ये भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप भी अगर करना चाहो तो जाके देख सकते हो एंड सीख सकते हो। बालों में बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग है, इसके बावजूद मैंने हेयर स्टाइल किया हुआ है, इसकी वीडियो भी डाल दूँगी। अगर आपको ये पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जो मैंने हेयर स्टाइल किया है मैं डाल दूँगी, ऑयली बालों पे आप किस तरीके से ऐसा हेयर स्टाइल कर सकते हो।
ओके। तो ये देखिए इस तरीके से कट करना है, बट अच्छे से, जैसे उधर से बिल्कुल परफेक्टली बराबर कट हुआ है वैसे ही आपको इधर से भी कट कर लेना है। कट करते करते जो हमारा गाइडलाइन था उसमें मिक्स कर देना है पूरा। और अगर आपको लगे कि गाइडलाइन थोड़ी ऊपर चली गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से काम किया है, ओके। और इसको कट करके गाइडलाइन से मिक्स कर देंगे। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है कटिंग, बट ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको, और भी कुछ करना है इसमें, क्या करना है वो भी देखिए अभी बताने वाली हूँ मैं। तो ये हमारा कटिंग तो कंप्लीट हो गया स्ट्रेट कट, बट इसको प्रोफेशनल तरीके से लुक देने के लिए, प्रोफेशनल स्ट्रेट हेयर कटिंग दिखाने के लिए आपको इस तरीके से कॉम करना है। थोड़े थोड़े हेयर को लेना है एंड कॉम करना है, एंड आपको 20-30 डिग्री ऊपर लेके जाना है हेयर को, ओके। और इस तरीके से पकड़ के फिंगर में इस तरीके से हेयर को लेना है, और एक्स्ट्रा हेयर को 20-30 डिग्री ऊपर ले जाना है, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है, और इस तरीके से कट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नीचे का हेयर होता है वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ फोल्डेड दिखेगा और बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये डमी है, ओरिजिनल हेयर नहीं है। तो इस तरीके से कॉम करना है, ओके। फिर अगेन इस तरीके से हेयर में, फिंगर में हेयर को लेना है, एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देना है, ओके, एंड छोड़ देना है। अब जो इस साइड का बच्चा है उसको भी सेम इस तरीके से आप कट करोगे तो नीचे कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा, एक भी हेयर आपका बचेगा नहीं, एंड देखने में भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगता है। अगेन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इसमें इस तरीके से कट करने के बाद से क्या होगा, जब आप हल्की सी ऊंची पोनीटेल बनाते हो तो अगर हम लोग का स्ट्रेट हेयर कट होता है तो ऊपर वाला हेयर नीचे वाले हेयर से लॉन्ग दिखने लगता है और ऊपर नीचे दिखता है। तो अगर आप इसमें पोनीटेल बनाओगे तो आपके हेयर काफ़ी घने और स्टाइलिश दिखेंगे और ऊपर नीचे पूंछ जैसी हेयर पोनी आपकी नहीं दिखेगी। तो ये कट करने का मतलब एक रीज़न ये भी है कि अक्सर तो हम खुले बाल नहीं रख सकते, कम से कम पोनी तो बनानी ही है। तो इस तरीके से कट डाल दोगे तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल स्ट्रेट हेयर कट है। तो ये 3 गाइडलाइन एंड इस तरीके से 30 डिग्री पे कट करके आप अपने बालों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हेयर कट दे सकते हो। काफ़ी अच्छा भी लगता है नीचे से। और कैसा लगा आप लोगों को, आई होप कि पसंद आया हो, ट्रिक कैसी लगी, और भी हेयर कट की वीडियो देखनी है सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके की शॉर्ट हेयर पे हेयर स्टाइल की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलते रहती हैं। और मैं अपने बालों का हेयर कलर भी करने वाली हूँ, और बहुत जल्दी हेयर फॉल से रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाला है। शैम्पू करते टाइम आप क्या गलती करते हो कि आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है, तो आप इतना महंगा हेयर फॉल कंट्रोल वाला शैम्पू ले लेते हो बट हेयर फॉल नहीं रुकता है, उसके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो ये था आज का हेयर कट, स्ट्रेट हेयर कट करते हो क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्या मिस्टेक करते हैं वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। सेकेंड चैनल पर भी जरूर जाइए ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए, मेकअप ट्यूटोरियल्स और स्किन केयर रूटीन देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टा आईडी PrithviBhai24 है। बाय बाय।